जल्दी जल्दी चलो। हेलो राधे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? बढ़िया है ना? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और आज 30 मई मंडे है और इस वक्त मैं सारे घर की सफाई करके नहा करके रेडी हूँ। और आज मैंने हेयर वॉश किया है क्योंकि आज बहुत ही खास दिन है हम सभी सुहागिनों के लिए। आज वट सावित्री पूजन का दिन है तो मुझे भी वट सावित्री की पूजा करनी है। और आप में से भी बहुत सारे लोग वट सावित्री की पूजा कर रहे होंगे। सो आप सभी को सबसे पहले मेरी तरफ से वट सावित्री पूजन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों अभी बहुत सारी तैयारियां करनी है, खाना पीना सब बनाना है, मुझे पूजा भी करनी है, तो बहुत सारे काम है। तो आपसे बाद में बात करूंगी मैं, बाकी की बातें बाद में करेंगे। अभी पहले चलते हैं सारे अब तक किचन में, पहले खाना पीना बना लूं, उसके बाद पूजा की भी तैयारी कर लूं वरना लेट हो जाऊंगी। और सबसे पहले मैंने आलू बॉईल होने के लिए रख दिए हैं और ये चॉपर से टमाटर काट ले रही हूँ क्योंकि मैं आलू टमाटर की सब्जी बनाऊंगी रसीली। और सूखी मैं ये आलू और शिमला मिर्च की सब्जी बना रही हूँ। तो शिमला मिर्च तो मैंने अभी काटी है लेकिन आलू मैंने रात को ही काट के रख लिए थे और बॉईल होने के लिए भी रात को ही छील करके धो करके रख दिए थे मैंने, क्योंकि आज स्कूल था लेकिन कल रात को ये लौटने में लेट हो गए हैं। फिर रात को मैं देर से सोई हूँ इनके, क्योंकि ये खुद ही लेट आए हैं, इतना रात को 1:30 बजे आए हैं। तो उसके बाद फिर हम 2:30 बजे सोए हैं और फिर सुबह उठने में मुझे पता था पक्का मैं लेट हो जाऊँगी, अगर मैं इतना लेट सोऊँगी तो मैं सुबह जल्दी नहीं जग पाऊँगी। तो इसलिए फिर मैंने छुट्टी का मैसेज डाल दिया था और इसलिए फिर मुझे आज छुट्टी लेनी पड़ी है, नहीं तो फिर मैं पूजा पाठ भी ठीक से नहीं कर पाती और स्कूल के लिए भी टाइम से नहीं निकल पाती। और सूखी सब्जी छौंक करके कढ़ाई में दूसरी गैस पे रख दी और इस गैस पे दूध बॉयल होने रखा है खीर के लिए। और मैंने अभी एक कटोरे में चीनी घोली थी तो चीनी पिसी हुई थी तो आसानी से घुल गई, इससे जो है चीनी के मीठे पानी से मैं ये आटा तैयार करना है मुझे। और अभी मैंने इस खीर जो बना रही हूँ वो चावल और साबूदाना मिला करके बना रही, तो ये दोनों मैंने अच्छे से वॉश कर लिए हैं और दूध बॉयल होते ही मैंने इसमें ऐड कर दिए। तो जब तक खीर और सब्जी बन रही है तब तक मैं ये मीठा आटा तैयार कर लूँ। इसके मैं बनाऊँगी गोल गोल बरगद। और जैसे ही आटा तैयार किया सब्जी भी बनकर के तैयार है तो मैं इसे एक साइड रख दे रही हूँ। और ये गैस थोड़ी सी गंदी हो गई थी, पानी फैल गया था तो मैंने इसको पोंछ दिया है। और ये खीर का भगोना मैं उस गैस पे रख दे रही हूँ और इस गैस पे छोटी गैस पे कुकर चढ़ा रही हूँ मैं, क्योंकि मैं बना रही हूँ अब इसमें आलू टमाटर की सब्जी रसीली। और ये जो आलू टमाटर की सब्जी है थोड़ी सी इसकी जो ग्रेवी है मैं थिक रखूँगी, थोड़ी सी गाढ़ी बनानी है, क्योंकि आलू टमाटर की ये जो सब्जी बनती है ना पूरी के साथ बहुत टेस्टी लगती है। और मसाले वगैरह डाल करके पानी ऐड करके कुकर का ढक्कन लगा दिया, बस एक सीटी लगाऊंगी सब्जी बन करके तैयार हो जाएगी। और जब तक ये सब्जी बन रही है तब तक मैं ये रायते के लिए दही चला ले रही हूँ। और ये मार्केट का दही है, घर का नहीं है, ये अभी मैंने सुबह मार्केट से मंगाया है। और इसमें चला करके फिर मैंने लाल मिर्च धनिया पाउडर ऐड कर दिया और नमक अभी ऐड नहीं किया मैंने, बाद में ऐड करूँगी जब सब लोग खाएंगे, नहीं तो फिर खट्टा हो जाएगा। और अभी बस बूंदी ऐड करके मैं इसको फ्रिज में लगा दे रही हूँ और ये जीरा भून करके और इसमें डाल दूँ। और मैं मोस्टली जब भी रायता बनाती हूँ तो मैं उसमें वैसे छौंक नहीं लगाती हूँ, बस ये हींग जीरा तवे पे भून करके फिर बस उसको हल्का सा हाथ से रब करके डाल देती हूँ। और ये खीर भी बनने को आ गई है, मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी है। तो बस ज़्यादातर काम हो ही गया खाने पीने का, दोनों सब्जी बन गई, रायता बन गया, खीर भी लगभग बन ही गई है, बस ये चिरौंजी ऐड कर दे रही हूँ मैं। और बरगद के लिए मीठा आटा भी तैयार है, बस पूड़ियों के लिए आटा लगाना है और वो सेकनी है बस।
और ये बरगद पूड़ी वगैरह सेकने के लिए मैंने गैस फिर से साफ़ की है अच्छे से, क्योंकि गंदी हो रही थी और फिर मुझे पूजा का सामान सेकना था, तो इसलिए फिर मैंने अच्छे से गैस साफ़ करके उसके बाद फिर ये कढ़ाई रख करके उसमें ये बरगद सेके हैं गोल गोल। अब हमारे यहाँ तो बरगद ही कहते हैं इनको, आप क्या क्या कहते हैं आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट करके। और ये अभी पूड़ियों के लिए आटा भी तैयार हो गया है, और इस बार जल्दी जल्दी में मेरे से बहुत बड़े बड़े ये बरगद बन गए हैं, और थोड़े से वैसे भी हो गए हैं, फट से भी गए हैं। अब जैसे भी बने हैं बना दिए मैंने, और ये फटाफट से अब पूड़ियाँ और सेक लूँ मैं। और अभी मैं सिर्फ पूजा लायक पूड़ी सेक रही हूँ, सिर्फ अठावरी, बाकी खाने की बाद में सेकूँगी जब पूजा हो जाएगी मेरी तब। किचन का काम ख़त्म करने के बाद फिर मैंने हेयर कॉम किए, फिर अभी मैं ये लगा रही हूँ महावर अपने पैरों में। और ये महावर का कलर ना थोड़ा सा वैसा पर्पल टाइप का है, मतलब जो रेड होता है ना वैसा नहीं है, पर्पल टाइप का है। और मेरे पास लिक्विड महावर नहीं था, ये सीसी रखी थी जो किसी ने कभी मनसी होगी श्रृंगार के सामान में मुझे, तो मैंने कहा चलो इसी को ही लगा ले रही हूँ आज। और आज मैंने अनंत मनोहन को भी घर पे बुला लिया खाने के लिए, मैंने सोचा चलो आज घर पे हुई छुट्टी कर ही ली है मैंने, खाना पीना बना ही रही हूँ तो बच्चों को भी बुला ले रही हूँ खाने के लिए, वो भी यहाँ पर घूम जाएंगे। और अभी मैं पूजा के लिए रेडी हो गई हूँ, बच्चे भी आ गए हैं, तो पहले मैं पूजा कर लूँ जल्दी से फटाफट से, देर हो रही है। वो नीचे से मिट्टी भी आ जाता है पहले। और मैंने ना बरगद का जो पेड़ है जिसकी हम पूजा करेंगे वो मैंने मंगाया है, क्योंकि यहाँ आसपास पता नहीं कहाँ था, कहीं कहाँ से लेके आए हो? सड़क पर है, पुराने पास में। हाँ तो दूर था ना, रोड पे है वो, आप दूर था बरगद का पेड़, तो इसलिए वहाँ पे नहीं जा सकती थी मैं पूजा करने, रोड पे था, तो इसलिए फिर मैंने जो एक डाल है वो यही मंगा ली है। तो अभी ये नीचे से मिट्टी लेकर के आ रहे हैं, हमारे पास गमले मिट्टी है, वो मिट्टी आ जाए उसके बाद फिर किसी एक उसमें किस कोई मिल जाए मिट्टी का बर्तन, उसी में करके मैं यहाँ पेड़ लगा ले रही हूँ, फिर पूजा कर ले रही हूँ। और पूजा की थाली लगाने के बाद मैं यहाँ पर चौक लगा रही हूँ, और ये ना मिट्टी भर रहे हैं अम्मा जी ने बरगद की जो डाल है वो लगाने के लिए, एक छोटी सी मटकिया दे दी है तो उसमें ये मिट्टी भर रहे हैं, फिर उसमें ये बरगद की डाल है वो लगा देंगे इसमें, और इस चौक के ऊपर रख दूँगी मैं उसको। और अभी ये पूजा की थाली मैं और अच्छे से तैयार कर ले रही हूँ फूल वगैरह रख करके। और ये जो बरगद की डाल है ना इस छोटी सी मटकी के हिसाब से थोड़ी सी बड़ी हो रही थी, तो बड़ी मुश्किल से एडजस्ट कर पाए, क्योंकि नहीं तो फिर ये लुढ़क रही थी, बहुत मुश्किल से एडजस्ट किया है इसको। और अभी मैं यहाँ पर दो मालाएं बना रही हूँ, ये पीली धागे की जो रील है इससे एक छोटी और एक बड़ी, छोटी जो है इन्हीं पे चढ़ जाएगी, और बड़ी को जो है बड़ी को भी चढ़ाऊँगी फिर पूजा करने के बाद, फिर मैं उठा करके उसे पहन लूँगी। और मैं जल्दी से पूजा कर लूँ, और इस बार की पूजा मुझे अकेले करनी पड़ रही है। लास्ट ईयर जो मैं अपने ससुराल में थी उस टाइम पे लॉकडाउन था, कोरोना चल रहा था तो लॉकडाउन था, तो मैं अपने ससुराल में थी, सो उस टाइम पे मैंने ये पूजा अपनी देवरानी के साथ की थी, लेकिन इस टाइम मैं यहीं पर हूँ क्योंकि मेरे अभी स्कूल चल रहे हैं, स्कूल बंद नहीं हुए हैं, तो इसलिए मैं वहाँ जा ही नहीं पाई हूँ, तो इस बार अकेले करनी पड़ रही है यहाँ पर। और पूजा में मैंने सबसे पहले इनको रोली से तिलक लगाया, फिर हल्का सा जल चढ़ाया, फूल वगैरह चढ़ाए, फिर ये जो सामान रखा है ये सब मैंने यहाँ रखा चढ़ाने के लिए, फिर ये जो दही में हल्दी घोली थी इससे पूजा किया मैंने, उसके बाद फिर मैं ये परिक्रमा लगा रही हूँ इस रील से। तो पेड़ थोड़ा छोटा है और परिक्रमा तो आपको मालूम है खड़े होकर के लगती है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा झुकना पड़ रहा है। और मैंने इस रील को मतलब घुमाते मतलब ये डाल के चारों ओर बांधते हुए जो है 7 परिक्रमाएं लगाई हैं।
और अभी पूजा पाठ हो गई है पूरी। बस अब ये जो मैंने कल चने गलाए थे, 14 चने गलाए थे, वो 14 चने और बरगद के पेड़ में जो एक कोपल होती है उसके 14 टुकड़े करके ये एक साथ निकले थे मैंने। और इस बार तो पता है मेरी सांस ही अटक गई, ये 14 चने और ये जो कोपल थी इसके 14 टुकड़े करके निगलने में सच में बहुत मुश्किल से निगल पाए हैं मैंने। आंखों से आंसू आ गए मेरे, क्योंकि ये जो चने थे ना, देसी चने गलाए थे, वैसे तो छोटे छोटे साइज़ के थे लेकिन वो फूल के थोड़े से बड़े हो गए थे। लास्ट ईयर इतनी प्रॉब्लम नहीं आई थी क्योंकि लास्ट ईयर इतने बड़े चने नहीं थे, लेकिन इस बार थोड़े से बड़े थे चने तो मुझको निगलने में बहुत दिक्कत हुई, पर चलो फिर भी निगल लिए मैंने। और अभी मैं इनका तिलक कर लूँ और पैर छू करके इनका आशीर्वाद ले लूँ, और जब मैं इनके पैर छूती हूँ ना तो उनको बड़ी खुशी मिलती है। और पूजा पाठ हो गई है सारी बरमावस की, और ये जो सारा सामान रखा है ना प्लेट में, ये खरबूजा आम ये बर पूड़ी पैसे ये सब मंसने के लिए है। सो मैं अब ये सासू माँ तो है नहीं यहाँ पे, और हम लोग कल जाएंगे और कल घर जाऊंगी, फिर वहां से फिर तांशु को लेकर के तब ससुराल पहुंचूंगी तो काफी लेट हो जाएगी, सब खराब हो जाएगी, पूड़ी तो बिल्कुल खराब हो जाएंगी। तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, इनको मैं ननद रानी है, ननद रानी भी है नहीं, वो अपने मायके गई हुई है, सो मैं उनकी सास को, उनकी सासू माँ को यानी कि जिया जी की मम्मी जी को मंस दूंगी ये सारा सामान शाम को जा करके। सो अभी तो मैं ये इनको एक साइड रख दे रही हूँ, और अभी बच्चे भी भूखे हैं, बच्चे आ गए हैं वो भी भूखे हैं, और बच्चों से बड़े जो बच्चे हैं तांशु के पापा वो सबसे ज्यादा भूखे हैं, तो पहले उनको खाना खिला दे। और इसमें जो छोटी वाली माला है वो तो इन्हीं पे चढ़ी रहेगी, और ये जो बड़ी माला है इसे मैं पहन ले रही हूँ, अपने गले में डाल ले रही हूँ, फिर चलते हैं किचन में। चलते हैं किचन में खाना बना लेते हैं। और अभी ये खाने की थाली लग गई है, बूंदी का रायता, आलू टमाटर की रसीली सब्जी, शिमला मिर्च आलू की सूखी सब्जी, पूरी और साथ में है खीर। तो चलिए आ जाइए खाना खा लेते हैं। चलो कैरम बाद में खेलना, खाना खा लो जल्दी से, चलो चलो कैरम जल्दी जल्दी चलो पूरी से और सेक करके ला रही। और अब हो रहा है इस ब्लॉग को एंड करने का टाइम, तो मैं आप लोगों से विदा ले रही हूँ, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करना और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।